Assalamu alaikum, my name is Hasan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is Hot Bites. Assalamu alaikum, Amna. Wa alaikum, Hasan. Why so solemn today? Not at all. Achha. How are you, Amna? What's up? I'm fine. Things are lots is up. And the what's up? Things are on fire. What's up? Fire. What's on fire? I have a lot of things to say. One is the Money Back Guarantee ka trailer launch hua, in Lahore this weekend. उस पर हम बात करेंगे. आपको ट्रेलर कैसा लगा उस पर बात करेंगे. उससे पहले क्योंकि हमने पिछले हफ्ते हॉट बाइट्स नहीं की तो मिस हो गया कि व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट प्रीमियर इन लंदन. आई थिंक अराउंड द 12th ऑफ फरवरी और सज्जल अली हमारी जो स्टार हैं उन्होंने वहाँ पे अपीयरेंस दी और बड़ी उनको अप्रिसिएशन मिली और बड़ी अच्छी उन्होंने कॉमेंट्स दिए रेड कार्पेट पर. बड़ी अच्छी लग रही थी. उस पर बात करेंगे. उसके बाद एक छोटी फिल्म है एज इन शॉर्ट फिल्म हॉरर फिल्म है गुलाबो रानी डायरेक्टेड बाई उस्मान मुख्तार. It hasn't released here, it's not available online, but it has been doing the International Circuit Festival, And wahan pe it's been picking up a lot of awards. It has by now picked up 9 awards. And you're sleepy because none of this interests you. Okay. Yeah. What interests you? Okay, Hasan, you were trending on Twitter. Is that what you want to talk about? लेकिन हसन का इंटरव्यू था वहाँ यमुना के साथ वो कल ट्रेंड कर रहा था. नहीं नहीं बताएं मैं सुन रहा हूँ. आपके टॉपिक सुन रहा हूँ. मेरे लिए तो ये बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक है. मैं सुन रहा हूँ. मैं क्या कह रहा हूँ. फेस्टिवल लाहौर में शुरू होने वाला है इस वीकेंड. लेकिन पिछले वीकेंड लिटरेचर फेस्टिवल. हाँ लाहौर लिटरेचर फेस्टिवल. लेकिन पिछले वीकेंड था हमारे पास KLF हुआ रांची लिटरेचर फेस्टिवल जिसपे आप नहीं गए लेकिन मैं गई थी. और जो दिमाग का खेल सबसे बड़ी चीज़ हुई वो था फैज़ मेला इन लाहौर. फैज़ फेस्टिवल जिसपे जावेद अख्तर साहब आए फ्रॉम इंडिया और उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने था. कितने मजे के टॉपिक सामना निकाले हैं. आप गेस करें ये आज का हॉट बाइट्स हुआ. आमना ने कहा था कॉल किया था आमना ने कि आज हम इन सारे टॉपिक्स पे बात नहीं मुनी बट के घर में एक एक्सप्लोजन हुआ बहुत बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है उसको भी हम डिस्कस करेंगे. उसमें डिस्कस और निदा यासिर ने जो अपने शो पे छोटी सी बोंगी मारी उसको भी डिस्कस करेंगे. इसके अलावा क्या आप चाहते हैं. दोहा कुछ स्टार्स पाए गए. ओहो यस उसके बारे में चले वो आपके पास वो थोड़ा सा कोई मैं कहूंगा थोड़ा सा कोई बेहतर एक बाकी आपने जो टॉपिक्स बताए ये तो बहुत अदबी लिहाज से और उस तरह के टॉपिक हैं. मेरे जैसे जो लोग हैं आम आवाम है जो कि शायद इतनी नहीं चले आए फिर आपके टॉपिक लिटरली सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आमना ने इग्नोर कर दिया वो है हमारे प्यारे आवाम का फीडबैक. किस चीज पे देखे ना ये बात होती है. किस चीज पे हमारी प्यारी आवाम ने हमें फीडबैक दिया है कि तेरे बिन का जो रिव्यू है वो हम सैटरडे को अलग से चलाएं. तो सबसे बड़ी जो अनाउंसमेंट आज हम हॉट बाइट्स में कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हमने मैंने और आमना ने बल्कि आमना ने फैसला किया है कि हॉट ये जो हमारा हॉट रिव्यू है तेरे बिन स्पेशल ये इंडीड आप लोगों की पुरजोर फरमाइश पर इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते से स्टैंड अलोन चलेगा सैटरडे को हर हफ्ते को शाम को 8 बजे. और मैंने एक और फैसला किया है कि जो लिटरेरी हॉट बाइट्स है ना मैं आही पे ले जाती हूं. आही पे ले जाएंगी आमना बिकॉज़ ना हसन को क्योंकि आमना फैशन फोर्टनाइटली भी आही पे ले जा चुकी हैं. आमना लिटरेरी जो हॉट बाइट्स हैं वो भी अब आही पे लेके जा रही हैं. म्यूजिक भी ले जा चुकी हैं. म्यूजिक भी माशाल्लाह इनमें से किसी चीज में आपको दिलचस्पी नहीं है. म्यूजिक तो वैसे म्यूजिक का तो बहुत अच्छा आपने वैसे किया जो मैं जो आप अपने प्रोग्राम के बारे में कुछ बताना चाहेंगे. म्यूजिक वाला जो प्रोग्राम है कौन सा वाला आई ही पे जो कर रही हूं और कौन सा कितने ओवरग्राउंड जो मैं और सभा कर रहे हैं तो आई रियली एंजॉय इट. आई मीन इट्स लाइक व्हाट्स द फॉर्मेट द पॉइंट ऑफ दैट इट्स लाइक द पॉइंट इज दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल द रिलीजेस इन द प्रीवियस मंथ. तो एक छोटी सी वो भी बन जाती है आपके पास यू नो एक अकाउंट बन जाता है कि ये रिलीजेस हुई इतने आर्टिस्ट की हाउ वर दे रिसीव्ड हमारा रिव्यू इन पे ऑल द सॉन्ग्स. ये तो ये वाकई में ये आमना का प्रोग्राम मुझे इसलिए ये आइडिया ज्यादा पसंद है क्योंकि अक्सर होता है कि गाने आते हैं और पता नहीं चलता. आपको इंस्टाग्राम की रील से पता चलता है कि वो गाना अच्छा सुना था तो अच्छा वो कौन सा था. तो इस तरह से आपको इस प्रोग्राम के थ्रू ओवरग्राउंड के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि पिछले पूरे महीने में पाकिस्तान में किस आर्टिस्ट ने क्या गाने रिलीज किए. ये तो अच्छा है. ये अच्छा शो है. ये सिर्फ ये अच्छा शो है. ये मजे का शो है. सो अब लिटरली आप चाहे इधर करें चाहे आप उधर ले जाएं मतलब यार आपको पता है लिटरेचर के जाने की वजह से हमारे ड्रामों का ये हाल है बिकॉज आर्ट कोई बना नहीं रहा. तो मैंने कब कहा कि लिटरेचर जो आप कह रहे हैं ना कि बोरिंग टॉपिक. मैंने ये नहीं कहा बोरिंग टॉपिक. बिल्कुल बोरिंग. आपने कहा अदबी हुआ यहाँ पे लिटरेचर फेस्टिवल हुआ उस पर मैं आपको बताता हूँ कि क्यों मैं इसके खिलाफ हूँ. खिलाफ नहीं हूँ डिसइंटरेस्टेड हूँ. डिसइंटरेस्टेड भी नहीं हूँ
क्योंकि मुझे ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं लग रही। मैं आपको बताता हूँ, जब हम जावेद अख्तर साहब के बारे में पूरे मामले में बात करेंगे ना, तो फिर उस पर मैं दिल खोल के बयान करूंगा कि ये जिसको आप कह रही हैं अदबी मेला या लिटरेचर या एक जो जिसको कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स या डिस्कशन, जो कि मुझे लगता है कि इन इस तरह के जो इवेंट्स हैं उनका मकसद होता है, वो मुझे होती भी कहीं नजर नहीं आई। तो उसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा, अपना एक जो मेरी नाकिस राय है, नाकिस अकल उसके साथ काफी नाकिस है, क्योंकि आपने एक भी अटेंड नहीं किया आज तक। मैं आपको बताता हूं, लेकिन उस पे राय आप देने मैं आपको बताता हूं, मैंने जो अटेंड ना करते हुए यहां से जो ऑब्जर्व किया है, जो मैंने सेशंस देखे हैं, जिनकी रिकॉर्डिंग्स देखी हैं, एक्सपर्ट आपकी ओपिनियन है? एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं, लेमैन हूं मैं तो। मैं तो आवाम का आदमी हूं, आवाम में रहना पसंद करता हूं जी, वही है। एनीवे, ये बबल है, ये बबल है, इसमें हम बात करते हैं। लेकिन शुक्रिया उन लोगों का, जैसा कि आमना जी ने आपको बताया कि मैं कल ट्रेंड कर रहा था ट्विटर के ऊपर, यमुना और वहाज का जी, यही सुनने के लिए हमने आज की हॉट बाइट्स की है कि हसन ट्रेंड कर रहे थे जी। यमुना और वहाज का एक इंटरव्यू इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोग देखेंगे द टॉक टॉक शो पे संडे को, और उसके लिए जो आप सब लोगों ने प्यार भेजा, आपने फीडबैक भेजा, उसका बहुत शुक्रिया। और आमना ने बड़ा अप्रिशिएट किया मुझे कि हसन गुड जॉब, और वो भी बड़ा लुक फॉरवर्ड करनी है। मैं देखूंगी पूरा, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, एब्सोल्युटली। मैंने यही कहा, मैंने हां, इवन दानिश का मैंने पूरा देखा था शुरू से आखिर तक। यार बात वही है कि जिनके इंटरव्यूज नहीं चल रहे हर जगह पे, that's novelty value. I mean, Danish, I think कितनी देर बाद उन्होंने interview दिया? I don't remember watching his interview. लेकिन आमना, ये लोग क्यों नहीं हमें interview देते वैसे? कौन? ये सारे लोग। अब सच सुनना चाहेंगे? तो सच सुनना चाहेंगे तो मैं बोलने के लिए मैं तैयार हूँ, because मुझे interviews करने ही नहीं है अब। हाँ। ये तो मैंने फैसला कर लिया है, मैं अब something hot के लिए नहीं interviews करूँगी। Something hot आ ही गई। और मैं बताती हूँ क्यों? Because आ ही पे वो artists आते हैं जो वाकई बात करना चाहते हैं। जैसे अभी मुझे एक आर्टिस्ट ने अप्रोच किया दैट यू नो वी वुड लाइक टू सिट डाउन विद यू एंड टॉक अबाउट व्हाट वी आर डूइंग एंड सो व्हाई कांट दे सिट डाउन एंड टॉक टू अस ऑन म्यूजिशियंस है ना म्यूजिशियंस हां हां ठीक सो दे वांट टू टॉक अबाउट देयर क्राफ्ट एंड देयर आर्ट दे आर नॉट लुकिंग फॉर अ मर्सनरी रीजन टू गिव एन इंटरव्यू व्हिच इज द ट्रुथ आई एम सॉरी बट दैट्स इट बट देन देयर आर आल्सो अ लॉट ऑफ आवर एक्टर्स आल्सो हु अप्रोच अस एंड वो करते भी देयर इज नॉट अ सिंगल आर्टिस्ट हमारी बात होती है और उनके लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत है, बिल्कुल है, जो हमें यू नो जो एक समझते हैं कि एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है इसमें, यू नो ऐसी बात नहीं है कि हम उनका फायदा उठा रहे हैं या हमें बहुत व्यूज के लिए हम उनको लाना चाह रहे हैं, बट एक उनका जो भी काम है उसको डिस्कस करने के लिए, उनके करियर्स को डिस्कस करने के लिए, लोगों तक उनका पर्सनालिटी पहुंचाने के लिए हम ये इंटरव्यूज करना चाहते हैं। बट वो लोग जो के कहते हैं कि जी हमारे पास टाइम नहीं है या हम इंटरव्यूज नहीं देना चाहते और फिर चैनल्स पर चले जाते हैं फॉर वो अब मेरी इज्जत करते हैं, मैं क्या आप तो समथिंग हॉट पे भी मेरी जान बैठे हुए हैं यहाँ आपकी वो इज्जत ये इज्जत आपकी समथिंग हॉट पे क्यों नहीं मैं सबके जाऊं नजर आती चलो चैनल पे एटलीस्ट इज्जत तो देते आई कैन ओनली से दैट द डे आई विश के समथिंग हॉट और सब चैनल्स का एक वो देना है कि हम अफोर्ड कर सकें इनको बुलाना इंशाल्लाह 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 व्हाई नॉट एग्जैक्टली बट ठीक है जो मसल एक टीवी चैनल का है वो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी सपोर्ट रही तो हम इंशाल्लाह वो माइलस्टोन भी अचीव करेंगे बल्कि पार करेंगे उसको और आप लोगों की सपोर्ट चाहिए और इंशाल्लाह हर प्लेटफॉर्म पे हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट क्रिएट करते हमारा रहे। मकसद यही है हमारा मकसद हाँ। है कंटेंट क्रिएट करना जहाँ पे भी हो आई पे हो समथिंग हॉट पे हो एक्सप्रेस पे हो हसन चौधरी का जिस पे बाय द वे मैंने छोटा सा बनाया वहाज और यमुना के साथ वो भी आप देखेंगे तो हम लोग चाहते हैं कि यार आप लोगों तक बेहतरीन कॉन्टेंट पहुंचे हम लोग ऐसे कॉन्टेंट को क्रिएट करें जो कि थोड़ा सा हटके हो थोड़ा सा आपको भी एंटरटेनमेंट वैल्यू से मिले ये हमारा मकसद है इसके ऊपर हम जी जान से कोशिश करते रहेंगे ऑन दैट नोट ये था आज का हॉट बाइट नहीं हम कहीं नहीं ये भी काफी हॉट था ये भी काफी हॉट हो गया था लेकिन इससे पहले कि आप खत्म करें आई वुड लाइक टू थैंक एवरीबॉडी हु वॉच्ड माय होम वीडियो व्हिच आई पुट अप यस्टरडे एंड जिस पे बहुत फीडबैक आई लोगों ने कहा शुक्र है हसन के पीछे जो पेंटिंग है आपने फाइनली हां इसकी बहुत बहुत डिमांड आती थी तो शुक्र है मैं भी देखूंगा ये वाली मैं इसकी स्टोरी मुझे नहीं पता मैंने अभी तक इसकी बड़ी स्टोरी है लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया बहुत बहुत ज्यादा प्यार और सो आई रियली अप्रिशिएट दैट और मैं कहना चाहूंगी कि आही का एक सेट फॉर्मेट है और अब प्रोग्राम्स ऐसा ऐसा फाइन ट्यून हो रहे हैं बट वी हैव गॉट म्यूजिक इन ओवरग्राउंड एंड द इंटरव्यूज दैट विल कम देन वी हैव गॉट फैशन एंड फैशन फोर्टनाइटली व्हिच इज नाउ बाय द वे गोइंग टू बी अ वीकली अच्छा हां सो टू ट्वाइस अ मंथ आई विल डू अ फैशन मैगजीन
लाइक फैशन शोज, फैशन न्यूज, टीवी पे किसने क्या पहना हुआ है, यू नो, लाइक एन ओवरव्यू. So that's something that I really love talking yeah, about. Yeah, you know fashion, that, right? Fashion, Ramna ka bachpan ka saath hai. To mujhe lag raha tha I'm not speaking enough on fashion. To wo hoga and baaki jo programs chal rahe hain. तो आप लोगों का बहुत ज्यादा शुक्रिया यार, चाहे वो आप जैसे मैं कह रहा हूँ आ ही हो, चाहे समथिंग हॉट हो, चाहे टॉक टॉक शो हो, आप लोग हमें ऐसे ही ओन करते हैं जैसे आपने हमें समथिंग हॉट पे ओन किया. और जो आप प्यार हमें भेजते हैं, जो आप इनकरेज करते हैं, वो आपकी इनकरेजमेंट की वजह से है कि मैं और आमना दोनों कोशिश करते हैं कि हम लोग साथ मिलके भी और अलग अलग भी आपके लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा कंटेंट क्रिएट करें. सो ये यकीन जानिए सब आपकी वजह से. सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच. मैं और हमने यही है, कहीं नहीं जा रहे हो, आके जो इतने बोरिंग टॉपिक शामला से निकाले आज, सबको छोड़ दें, वी विल कम स्ट्रेट टू द फेस मेला. नहीं नहीं नहीं, वी विल टॉक अबाउट द रेस्ट ऑफ द थिंग्स एज वेल. आई मीन मजाक कर रहा था, ये सारे हमारे आर्टिस्ट हैं और स्पेशली उस्मान की जो फिल्म है उसकी. ओह, आई जस्ट बम्प्ड इनटू फातिमा भुट्टो एंड ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर एट लंच. हां ओके, प्लीज नोटिस. ओके, मतलब ठीक है, ठीक है, ओके. पर हमने आपको बोलते हैं बहुत छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद. जी आमना जी हसन, क्या किस टॉपिक से शुरू करना चाहिए? सर आप जो छोटे हमारे पास टॉपिक्स हैं उनको लेट्स टॉक अबाउट. पहले उस्मान की फिल्म के बारे में. उस्मान की फिल्म आई, उन्होंने बनाई पिछले साल गुलाबो रानी, व्हिच इज अ शॉर्ट हॉरर, एंड उसका ट्रेलर आया, टीजर ऑनलाइन हमने देखा, रियली लाइक्ड इट, आई वॉच्ड इट, लव्ड इट. इट हैजंट रिलीज्ड येट, इट्स नॉट अवेलेबल टू व्यू एनीवेयर फॉर अ लोकल ऑडियंस, इवन इंटरनेशनली, बट वो फेस्टिवल्स पर रिलीज हो गई है और इट्स वन अप टिल नाउ 9 अवार्ड्स, व्हिच इज रियली गुड. इट्स अ 35 मिनट फिल्म और उस्मान ने यकीन दिलाया कि इस साल आपको किसी न किसी ओ टी टी प्लेटफॉर्म पे या यूट्यूब पे कहीं ना कहीं वो अपलोड जरूर करेंगे वंस इट हैज गॉन थ्रू द सर्किट फेस्टिवल. मैंने नहीं देखी, व्हाई डू कीप सेइंग सर्किट फेस्टिवल. मैंने नहीं अभी देखी इसका, जब इस्लामाबाद में वो प्रीमियर कर रहे थे, एक स्क्रीनिंग थी, तो मैं आई वाज मेंट टू बी इन इस्लामाबाद बट वो फिर मेरा ट्रिप नहीं हो सका और मैं नहीं देख सका, तो मैंने अभी तक नहीं देखी. बट आपने देखी और आपको कैसी लगी फिल्म के बारे में? क्या मैंने नहीं फिल्म देखी, अभी आपने कहा ना मैंने देखी, ट्रेलर देखा. अच्छा ट्रेलर, ट्रेलर उसका देखा, आई हैवंट सीन द होल फिल्म, बट यार फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट फुल एप्रिसिएशन फॉर पीपल who are making edgy and non-commercial content out of the box, which is for the love of the art of it, not for commercial purposes. So उन लोगों के लिए बहुत इज्जत है यार, आसान नहीं है, बहुत मुश्किल अपना वक्त निकाल के अपना पैसे लगा के कोई ऐसी चीज बनाना, आपको पता है आवाम नहीं देखेगी और ऐसे वो वायरल नहीं होगा जैसे एक आम चीज हो जाती है. मतलब आपको पैसे नहीं उससे कोई बहुत नहीं आपको मिलेंगे. एब्सोल्युटली, आई मीन एक कभी जॉयलैंड एक तुक्का लग जाता है, यू नो, कि एक कोई ऐसी अंडरग्राउंड फिल्म hits it out of the park, but otherwise nahi hota. So unko mil rahi appreciation, is doing really well. I'm really happy for him. Usman kaam karte rahe, Usman karte rahe. Main unse jab abhi mila tha nas pe, to tab unhone umru yaar ka bhi bataya tha, us pe bhi wo kaam kar. Have you heard anything about that though? No, unhone kaha ki bahut sakht uske upar wo NDA type situation hai ki they're not supposed to talk about. It was supposed to release in February this year. Really? No, last year humne yehi suna tha ki February March mein aayegi, but unhone kaha ki kuch us pe kaam ho chuka hai aur kuch footages unhone kaha के हैं, but he was not at liberty. Obviously, ठीक है, ठीक है. So really looking forward to that as well, and all our best wishes to Usman. जी, ठीक है, and congratulations. And congratulations. उसके अलावा निदा यासिर. नहीं नहीं, एक सेकंड, पहले हम ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट चीज हुई, हम मेंशन जरूर करना चाहेंगे, मुनीब भट्ट और इमन खान के घर पे एक एक्सप्लोजन हुई, और इनिशियल जो रिपोर्ट आई थी वो ये आई थी कि गैस सिलेंडर खुदा ना खास्ता उनके घर पे फट गया, और हमने तस्वीर कुछ देखी तो उनके घर की दीवारें जो थी वो गिरी हुई थी. तो बाद में ये क्लैरिफाई हुआ जब मुनीब और एमन दोनों ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे एक लोगों के लिए एक की इंफॉर्मेशन के लिए एक पोस्ट शेयर किया. तो बेसिकली हुआ ये था कि संडे 20 फरवरी 2023 को उन्होंने लिखा कि हाफ ऑफ माई हाउस कोलैप्स ड्यू टू एन एक्सप्लोजन कॉज बाय एक्यूमुलेशन ऑफ गैसेज इन आवर सीवेज लाइंस. तो उसके उसकी वजह से Eamon suffered minor injuries caused by shards of glass and her house health suffered burns, but Allah has been very kind. Alhamdulillah, they are both recovering well. तो ये एक शुक्र है कि कोई ज्यादा नुकसान इससे ज्यादा नहीं हुआ, although ये भी काफी traumatic माली नुकसान हुआ, but अलहम्दुलिल्लाह जानी नुकसान जानी नहीं हुआ, बिल्कुल. और हमारी बहुत सारी दुआएं और प्यार Eamon, Muneeb, उनकी पूरी family, उनकी domestic I tried to reach out to Muneeb, but obviously they're all rattled right now and it must be really really traumatic. I can only imagine. ये बड़ा यार ये है, ये मैं जैसे आपको कल भी बता रहा था, वो माय हेयर स्टाइलिस्ट, इससे उसने अपनी सुबह दुकान खोली
और वो ये वाला चक्कर था, गैस एक्युमुलेट हुई थी नीचे सीवेज लाइन में और वो एक्सप्लोजन हुई एंड अनफॉर्चुनेटली ही पास्ड अवे इन दैट इंसिडेंट. ट्रेजिक. सो ये बड़ा एक है, अल्लाह का शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ. एंड वंस अगेन लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड लव फॉर मुनीब एमन एंड ऑफ कोर्स आल्सो द डोमेस्टिक हेल्प हु वर इंजर्ड इन दिस एक्सप्लोजन. जी अच्छा जी, और क्या आमना? निदा यासर कतर. No, Nida Yasir. Qatar. No, Nida Yasir. No. Please. No. I request you. I'm not listening to you. I request. No. So Nida Yasir had a moment on the Shoaib Akhtar show this week. यार उसमें शोएब अख्तर का कोई कसूर नहीं. नहीं, कोई कसूर नहीं था. शोएब अख्तर ने क्या किया? उन्होंने कहा, क्यों आप शोएब अख्तर को क्यों कुछ कह रही? मैं तो कुछ भी नहीं कहा. सारे होस्ट के पीछे आप लोग पड़ जाते हैं. I love शोएब अख्तर. I love शोएब अख्तर. उन्होंने शरारत की, उन्होंने कहा. नहीं कुछ है क्या? हां, वैसे शरारत भी नहीं की. मेरा तो ख्याल था he gave it away. I mean, हम कह रहे हैं कि अच्छा 1992 का वर्ल्ड कप हम किस साल में जीते. अब वो पूछ रही हैं, सोच रही हैं. फिर उन्होंने शायद सलोदी उनके साथ थी, उनको पूछा कि तो मैं अपने दोस्त की मदद लूँ. उन्होंने कहा 92 में सवाल तो सुनो, सवाल तो सुनो. इतनी देर में शोएब अख्तर ने चेंज कर दिया. He caught on like this. उन्होंने कहा कि फास्ट बॉलर, इन स्विंग यॉर्कर. हाँ, उन्होंने मारा. नहीं, ये तो आउट स्विंग हो गया, इन स्विंग. व्हाटएवर. उन्होंने कहा कि 2006 का वर्ल्ड कप किसने जीता? 9 के 6 हो गया. 9 था, आई थिंक. 9 था. तो वो उन्होंने कहा 1992 में. उन्होंने T20 का कह दिया. क्या कहना चाहिए? तो यार मैं अब एक स्कूल ऑफ थॉट शायद ये समझता है कि ये क्योंकि निदा को शायद पता लग गया कि ये उनकी USP है, तो शायद वो एक्ट करती हैं. तो मैं जितनी बार निदा से मिला हूँ, काफ़ी मिला हूँ, मेरी वैसे मैं अक्सर कहता हूँ पड़ोसी भी हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये एक एक्ट है जो वो पुट अप करती हैं. वो असल में उनसे जब आप मिले वो बहुत स्वीट सी और इनोसेंट सी हैं. तो मेरा नहीं ख्याल कि मतलब क्योंकि ऑब्वियसली ये सोचना भी एक तरह से जायज़ है यार कि एक खातून है जो कि 14 साल से मॉर्निंग शो कर रही है लगातार. इट्स नो मीन फीट, इट्स नॉट इजी. डे ऑन एंड आप वापस आप वीक ऑन एंड आप आते हैं, आप रोज एक शो करते हैं, उसके लिए बड़ी रिसर्च चाहिए होती है, बड़ा दिमाग चाहिए होता है, बड़ी मेहनत लगती है. एंड देन यू नो एट द सेम टाइम यू अपीयर टू बी सो नाइव एंड सो इनोसेंट. नो आई मीन यू कैन से नाइव इनोसेंट और यू कैन से स्टूपिड बिकॉज़ दैट्स आल्सो व्हाट इट इज. आई एम सॉरी. She may be doing a show for 14 years and I'm really fond of Nida and I've met her once or twice in a very formal environment and she's a really sweet person. But she's obviously not very bright. I mean, agar aap ye in popularity ke liye kar rahe hain. If she weren't bright, how was she able to pull off a morning show for 14 years? You answer that to me, na? You can't. I would say my smile says it all. Why do you need brightness to pull off a show? भाई एक टीवी show, भाई पूरी टीम होती है पीछे रिसर्च करने वाली. क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं यार, 14 साल for these morning shows. नहीं, you need popularity and she's very popular. भाई she's also a producer on the show. ये कोई छोटी बात नहीं है. शो एक टीवी ARY जैसे टीवी चैनल पे 15 साल शो. Then would you say that it's an act? What? I can't believe that's what I'm saying. Because when you meet her, she's produced films also. She मतलब ऐसे निदा यासिर आप तो ऐसे समझे कि मतलब like you know she's got no accomplishments or no achievements. She's worked all her life. She's very hardworking. She's very committed to what she's doing. So if somebody is that, she's very popular. She's very likable. But is she very smart? No. How is she able to pull off that? That's exactly what I'm saying. You don't need to be smart to pull off. To pull off a popular TV show, a morning show, maybe. You don't need to be really smart to do it. You just need to be popular and hardworking and committed. She's very committed to what she's doing. अगर ये one off होता कि चलो ठीक है उनका एक शो चल गया 6 महीने साल 2 साल 3 साल 14-15 साल is a lifetime यार. मतलब आप सोचे ना इतना span इतना बड़े एक channel पे. She's very popular, Hasan. She's very popular. तो something is working in her favor. Absolutely, no. She's very likable. She's very relatable. I think a lot of people would be as you know, not clued in about things as she is, as clueless. A lot of people relate to that kind of cluelessness. But would I say that she's intelligent? Apparently not. Apparently not. It disturbs me actually that somebody who's on national television every day would be this naive. I mean, it's not a very good reflection of women in the media, right? That is my beef with it. She's very popular. Don't take me wrong. I'm very fond of her. People love her. People relate to her. That's true. But the fact that is she a great representative? Would I send her to an international conference on morning shows to represent Pakistan? No, I wouldn't, because she wouldn't be able to handle it. I
No, I wouldn't. I wouldn't. I don't know. I don't know. Because simply the fact ki yaar, somebody who's been part of the industry for so long has done so many shows, hosted so many people. आपने वो shows देखे हैं? कितने? बहुत सारे देखे भी हैं. तो फिर आपको कहाँ लगता है कि उसमें intelligence इस्तेमाल हो रही है? शादीशुदा कपल्स की शादियों पे बात करना या खाने पकवाना या मर्दों से डायपर चेंज कराना या वो सिली गेम्स करना, कहाँ से इंटेलेक्चुअल या कोई इंटेलिजेंट हो रही है प्रोग्रामिंग? यार नहीं हो रही है. एक चीज होती है आमना, इंटेलेक्चुअल बहुत इंटेलेक्चुअल छोड़ दें, इंटेलिजेंट एक होती है इंटेलिजेंट प्रोग्रामिंग. एक चीज होती है कि यार कि ठीक है आपने एक कौन सा एक शो कंसीव किया और आपने उसको 14-15 साल चलाया, ठीक है, यू कांट बी नॉट ब्राइट टू पुल इट ऑफ, दैट्स ऑल आई एम सेइंग. मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बहुत आपको सुपर पावर चाहिए मॉर्निंग शो चलाने के लिए, बट ऑन दी अदर हैंड यू ऑल्सो कांट बी सो मतलब क्लूलेस एंड येट बी एबल टू पुल ऑफ समथिंग लाइक दैट, इज ऑल आई एम सेइंग. मीरा हैज पुल्ड ऑफ अ होल करियर लाइक दैट, व्हाट आर यू सेइंग? नो, मीरा इज नॉट. आई डिसएग्री विद यू. क्या कर दिया, लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ, शादी की डेट और बहुत कुछ भूल जाते हैं. हाँ मुझे पता है हालात की वजह से बहुत डिप्रेशन है, अगर मेरी किसी गलती पे आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है तो हंस लें खुल के, लेकिन जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे. एब्सोल्युटली, जो मुझसे वाकई प्यार करते हैं वो करते रहेंगे, इसलिए मेरा नारा है पीछे हट. क्यूट. मतलब है कि वो प्यार हम करते हैं निदा से, इसमें कोई शक नहीं है. बहुत मगर हम ये कहेंगे जी निदा बहुत ब्रिलियंट होस्ट है, नहीं है वो, नहीं मतलब है कि ठीक है. मैं आर्गुमेंट ये नहीं है, आर्गुमेंट ये है कि जो आप कह रही हैं कि शी इज नॉट ब्राइट एट ऑल, मैं इस पे कह रहा हूं. मैं तो क्वेश्चन कर रही हूं, अगर वो ब्राइट है एंड शी इज पुलिंग दिस ऑफ डिलिबरेटली, देन आई बट नो, बट देन वी डोंट नो ना. फिर आप तो ये कह रहे हैं कि वो बड़ी इंटेलिजेंट. मैंने कहा मैं जब उनसे मिला हूं वो हमेशा बहुत स्वीट, बहुत ह्यूमिलिटी के साथ, बहुत प्यार. वो अलग चीज है, वो एक चीज है, वो बिल्कुल अलग. तो मैं खुद ये हैरान, मैं आपकी बात, मैं कह रहा हूँ कि मैं खुद हैरान होता हूँ कि एट द सेम टाइम समबडी हु सो स्वीट, सो इनोसेंट, सो नाइव हैज बीन एबल टू पुल ऑफ अ 14 year long stint. I don't know why you are comparing the two things. It because he is the one who's pulled that off. Why can somebody innocent, sweet and sweet not pull off a morning show? They can. How? हसन हमारे मॉर्निंग शोज की सारी फॉर्मेटिंग बड़ी फर्क होती है. इट्स नॉट, देयर इज अ लॉट दैट गोज ऑन बिहाइंड द सीन्स आल्सो, देयर इज अ लॉट दैट यू नीड टू प्रूव थ्रू द चैनल आल्सो. पीछे पूरा एक नेटवर्क है, पूरी एक चीज है. पॉपुलैरिटी तो उन्हीं की है ना, यही बातें मैं कह रहा हूँ. मैं ये नहीं कह रहा कि यार कि उनके मॉर्निंग शो में ऐसा कोई पाथ ब्रेकिंग कॉन्टेंट हो रहा है कि 14 साल वो रुकी नहीं रही. मैं ये कह रहा हूँ कि वाई इज द टीवी यार, वाई इज सोल्ड ऑन दिस ओपरा शो तो नहीं, बिकॉज sold on the idea ke. oh yaar hasan ab janbujh ke naive ban rahe ho kya main. acha theek hai, let's move on to the next topic. ye hum discussion comment section, hum is pe ek alag pura hot bites karenge, ek pura alag hot bites. because ab thoda sa mujhe andaaza ho gaya ki tv channels itna aapko le rahe kyun bhai. 14-15 saal bahut lamba time hota hai yaar channel, to kuch na kuch she is doing right somewhere, she is popular bhai, people relate to her, people love her, a lot of people who are popular. moving on to qatar. ji qatar, over to you. nahi aapko, over to you. maine pata hi kuch qatar ka, hamare kuch sitare hain jo qatar mein paye gaye, unki tasveerein humne maine dekhi unki personally. i saw mavra's pictures and i saw mehvish's pictures and aaj i saw humayun at that lunch or dinner. kya tha wo brunch? so qatar mein ho rahi hai ji. ji hasan, to sabse pehle ye kya karne gaye, aapke paas koi inside mere pakan se inside information nahi, main mujhe to pata hi nahi hai kisi cheez ke bare mein kuch bhi. कतर में हो रही है जी एक ज्वेलरी एग्जीबिशन, ठीक है, और इसमें हो ये रहा है कि आपके जितने प्रोमिनेंट ब्रांड्स हैं, दिस इज कॉल्ड द दोहा ज्वेलरी एंड वॉचेस एग्जीबिशन. ओह नाइस. तो इसमें जो आपके दुनिया जहां के जो मोस्ट पॉपुलर लग्जरी ब्रांड्स हैं, उन्होंने कतर के लिए कतर दोहा स्पेसिफिक लाइंस डेवलप की हैं, और इसका मकसद है दोहा कतर में टूरिज्म को प्रमोट करना. तो जैसे कि हमें पता है फीफा का वर्ल्ड कप भी हुआ, उसमें भी बहुत सारे उन्होंने सेलिब्रिटीज को इनवाइट किया, ग्लोबल इन्फ्लुएंसर्स को इनवाइट किया. इसी तरह इस एग्जीबिशन में भी, इट्स अ 5-day लॉन्ग एग्जीबिशन, तो उन्होंने मुख्तलिफ एक्टर्स को, सेलिब्रिटीज को रीच आउट किया है कि वो वहाँ पे आए और उनकी वजह से उनके इवेंट को या मुल्क को एक प्रमोशन मिले और लोग भी फिर कतर आना पसंद करें और आए, प्लान करें अपनी हॉलीडेज. ये इसकी वो है. अब इसमें उन्होंने पाकिस्तान से रीच आउट किया, हुमायूं सईद एंड फैमिली, हुमायूं सईद, समीना हुमायूं सईद, सना शाहनवाज, महवी शहाद विद हर ब्रदर, शी वाज आल्सो देयर एंड माफरा वाज देयर. पाकिस्तान से ये लोग गए और इंडिया से आपने पहले हमने देखा वहां पे मुनी रॉय थी, नीलम कोठारी थी,
और अब हमें पता चला कि सारा अली खान और अनन्या पांडे भी वहां पे मौजूद थी जी। और ये थे, और मैंने सुना है कि आयरीना शेख वो भी आ रही हैं उस एग्जीबिशन पे, तो ये उनका मकसद है और ये सारे वहां पे थे। क्या कहना चाहेंगी आप, हमारी रिप्रेजेंटेशन भी थी? पहली बात तो ये कि बड़ी अच्छी बात है कि ये इवेंट्स हो रहे हैं और ग्लोबल स्टार्स को जब बुलाया जा रहा है तो उसमें पाकिस्तानीज भी जा रहे हैं, सो दे आर पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल कतर प्रमोशन प्रोग्राम जो चल रहा है, बहुत बड़ा है, इट्स ह्यूज राइट, कतर इज ऑन दिस ह्यूज टूरिज्म लाइक स्ट्रीक दैट दे आर गोइंग थ्रू, ग्रेट दैट दे आर हैविंग पाकिस्तानी स्टार्स टू जॉइन इन, एंड इट्स ऑलवेज डिलाइटफुल टू सी आवर एक्टर्स एंड आर्टिस्ट गेटिंग दैट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट ऑन एन इंटरनेशनल फोरम। So, उसके अलावा but I haven't heard them, उनको बातचीत तो ऐसी हुई नहीं, नहीं तस्वीरें देखी थी मैंने, जो मुझे पता चला इनकी एक मुलाकात हुई है जो कतर के प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ और उसके अलावा एक दिन डिनर था जी। डिनर में अगेन डिग्निटरीज थे सारे और जो लोग थे वहां से डिफरेंट सेलिब्रिटीज आए थे उन सबने डिनर किया, एक दिन एग्जीबिशन पे गए और एग्जीबिशन के बाद फिर कोई एक और लंच था। तो ये क्योंकि 5 दिन की एग्जीबिशन है, मावरा आई थिंक अटेंडेड फॉर अ डे, शी वाज देयर फॉर अ डे और टू, शी केम बैक, हुमायूं एंड फैमिली दे आर स्टिल देयर, महविश आई थिंक इज स्टिल देयर एज वेल, और ये जो बाकी नरगिस फखरी वाज आल्सो देयर बाय द वे। अच्छा, सो ये सारे लोग वहां पे इकट्ठा हुए हैं। मावरा की हमने तस्वीर नहीं देखी, सारे गैंग मतलब विद 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 द अदर सेलिब्रिटीज, बट आई सॉ मावरा'स पिक्चर्स एक तो ऑन हर बालकनी, राफेल्स में ये लोग ठहरे हुए थे भाई, सुना है कि बड़ा अच्छा वहाँ पे उनको प्रोटोकॉल और वो अच्छी बात है कतर की के नहीं, आप तो गए थे आई एम श्योर, हॉस्पिटैलिटी तो हाँ, हॉस्पिटैलिटी कतर की बहुत उसमें भाई, नो डाउट कतर की जो हॉस्पिटैलिटी है उसको उसका कोई उसमें शक की बात मैं आपको एक बात कहूं, ज्वेलरी एग्जीबिशन मैंने देखी तस्वीरें, द ओनली थिंग दैट कॉट माय आई वाज दोस फैंटास्टिक बुल्गारी नेकलेस, सर्पेंटाइन नेकलेसेस 80,000 डॉलर, आपको होना चाहिए था, हाय 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 हाय, आपको होना चाहिए था वहां पे। बट ये एक तरह से अच्छी बात इसलिए भी है कि आप जब हमें हमारे सेलिब्रिटीज वहां पे जा रहे हैं तो उनकी मुलाकात वहां पे बड़े डिग्निटरीज से, जैसे खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी जो कि कतर के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके साथ वहां पे उनकी मुलाकात हुई। तो ऐसा नहीं है कि वहां पे बुला के सिर्फ एग्जीबिशन की हद तक ही उनको घुमाया फिराया गया और उनको वापस ले जाया गया, तो बड़ा अच्छा प्रोटोकॉल मिलता है और ये हमारे एक्टर्स के लिए बड़ी खुशी की बात है। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे एक्टर्स जब इस तरह के इंटरनेशनल ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं तो वो पाकिस्तान को अच्छे से रिप्रेजेंट करें। हमने देखा इन कपड़े भी ईस्टर्न एक तरह के उन्होंने पहने हुए थे, मावरा ने झंडा भी लगाया हुआ था पाकिस्तान का, तो ठीक है यार, अच्छी बात है, खुशी की बात है। और इसी से रिलेटेड एक और जो हमें आपने पूछा ही नहीं मेरे से कपड़ों का, मैं आप क्या कामना जी कपड़ों की क्या बात करनी है, करनी चाहती है आप कपड़ों की बात, महविश और मावरा और हुमायूं के कपड़ों के बारे में क्या ये हुमायूं के बारे में तो मैं क्या एक सूट पहना हुआ था उन्होंने, लेकिन नहीं हुमायूं ने शलवार कमीज के ऊपर कोट पहना हुआ था, शलवार कमीज से कोट था पता नहीं चल रहा था, बैठे वाइट शलवार कमीज के ऊपर कोट पहना हुआ था उन्होंने, ऑल द फैशन चॉइसेस वर रियली डिसअपॉइंटिंग, यू डिडंट लाइक द फैशन, आई थॉट दे लुक नाइस यार, शलवार कमीज के ऊपर कोट पहना हुआ उन्होंने पाकिस्तान रिप्रेजेंट, वो भी क्या है हुमायूं की बात मैं नहीं कर रही, महविश ने वाइट का पहना हुआ था कुछ, वाइट क्या होता है क्या कहते हैं देसी ड्रेस, मावरा ने तीन मैंने उनके एक कि उन्होंने ब्लैक पहना हुआ था, एक दिन उन्होंने शिमरी सा एक वाइट आउटफिट पहना हुआ था, एक और उन्होंने वाइट पहना हुआ था, आपके दोस्त हैं सारे मुझे पता चला, इलान म्यूज और हुसैन रिहार, ये तीन मावरा ने पहने हुए थे। सो जो मावरा का ग्लिटरी आउटफिट था वाइट वो तो अच्छा था, outfit. आपके घर पे किसी ने अगर नॉर्मल डे पे लंच पे आना है आप वो कपड़े पहनेंगे, नॉट इफ यू आर अटेंडिंग अ ज्वेलरी एंड वॉच एग्जीबिशन व्हिच इज हाई एंड लग्जरी, you need to look a little luxurious for it, you know, you're not going to turn up in a same printed print on print shalwar kameez dupatta. So you're saying she looked nice but not for the event, so the event ka jo tha she was not demanded a absolutely, aur jo mehvish ne pehna tha wo jo desi dress tha, it was just a really not a nice outfit at all,
What you need to be is you need to be casual, cool, chic, with the time, the sunlight, you know, you dress accordingly, you wear those colors, you're going to a jewelry exhibition, wear a nice black sari or wear a nice black shalwar ki gharara pehen le, a black plain, you know, but do a little bit of a solid mono, white bhi pehenna hai, so it needed to be a little more chic. It was not chic enough. Theek hai. Point noted. बट आई थिंक ये एक जो ये बात आमना की अपनी जगह बट एक बात इम्पॉर्टेंट है कि हमारी सेलिब्रिटीज नए रास्ते खुल रहे हैं उनके लिए वो इंटरनेशनल फोरम्स पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें और ईस्टर्न वेयर पहन के रिप्रेजेंट करें ये और ज्यादा अच्छी बात है जरूर पहने लेकिन ईस्टर्न वेयर में भी बहुत वेरिएशन आमना को फोन कर लिया करें यार इकबाल हुसैन के पास चले जाते हैं इकबाल हुसैन इज डूइंग सच गुड कंटेंपरेरी ईस्टर्न वेयर ब्यूटीफुल क्लोथ्स ठीक है Even Hussain Rehar does. I don't blame the designers because I don't know कि उन्होंने customize किए इनके लिए कपड़े इनके racks पे खरीदे जाके या इनके अपने wardrobe में ठीक है. So you're saying you need to put more thought into the kind of event that you are going to और उसके मुताबिक for sure ठीक है for sure ठीक है. In अगर isolation देखें they all look nice ठीक है समझ आ गई बात आपकी. Moving on to another star जो हमें global platform पे represent कर रही है सज्जल अली जी और सज्जल अली की फिल्म What's Love Got to Do with It के बारे में हम कोई 6-7 महीने से hot bites कर कर के और हर बार यही बात करते हैं कि हम hot bites कर रहे हैं लेकिन सुना है 3rd मार्च को पाकिस्तान आ रही है चलें इंशाल्लाह looking forward to it इंशाल्लाह आ रही है but सज्जल was there London premiere lovely Sajjal looked beautiful she was wearing a very sparkly midnight blue again traditional gharara kameez with a chadar but she looked red carpet appropriate you know with her top knot beautiful makeup a little bit of shimmer and you know looked like you know she belonged on a red carpet bahut achhi lag rahi thi wo theek hai but beyond that she gave really good interviews I'm so glad that sajal has this new found like you know she's found her voice suddenly pehle wo baat nahi karti thi bilkul bhi ab wo bahut khul ke baat kar rahi hai you know and badi achhi lag rahi hai it's good to hear her on an international forum Jemima Goldsmith bhi thi wahan pe ji Jemima apne bachchon ke sath ji तीनों बच्चे थे उनके साथ साथ में उनके एमा थॉम्पसन थी एक बड़ी अच्छी हमने क्यूट वीडियो ये ढोल बजा था एमा थॉम्पसन और सज्जल डांस कर रहे थे उसका क्रेडिट जाता है हमारे फ्रेंड हारून को अच्छा हारून ने वो वीडियो शेयर की थी अपने इंस्टाग्राम पर मैंने देखा था फैंटास्टिक वीडियो लुकिंग फॉरवर्ड टू हारून्स इंटरव्यू विद सज्जल आई थिंक इट्स कमिंग आउट दिस अच्छा उन्होंने किया है ओके ग्रेट ग्रेट तो बड़ी खुशी की बात है यार कि ये अगेन शेखर कपूर स्पोक रियली हाईली ऑफ सज्जल और उन्होंने बहुत अच्छी अल्फाज में सज्जल की बहुत ज्यादा तारीफ की बोला और ये हमारे लिए अगेन ऑनर की बात है यार कि हमारे जो टैलेंट है उनको इतने बड़े बड़े इंटरनेशनल स्टार्स जो हैं वो अप्रिशिएट कर रहे हैं तो बड़ी खुशी की बात है रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फिल्म इंशाल्लाह जब भी आएगी मैं और आमना जरूर देख के और जरूर आपके साथ उसका रिव्यू पहुंच जाएंगे पहुंच सुना गया आमना कहने 10 दिन में आ रही है तो लेट्स सी 3rd मार्च इज इन 10 दिन रमजान इज इन अ मंथ दैट्स ट्रू दैट इज ट्रू सोचें आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी एनीवे जब फिल्मों और उनकी रिव्यूज की बात कर रहे हैं तो एक ट्रेलर लॉन्च हुआ जनाब लाहौर में मैं आपसे एक सवाल पूछूं पूछें अच्छा इससे पहले लोग ये पूछ बोलेंगे यार हसन एंड आमना व्हाई वोंट यू देयर एट द ट्रेलर आमना वाज देयर शी चोज टू कम बैक बिकॉज़ शी वाज नॉट वेल दैट इज ट्रू आमना वाज देयर एंड आमना वाज ऑन अ फ्लाइट बैक ऑन थर्सडे बट व्हेन आई फाउंड आउट दैट देयर इज अ ट्रेलर लॉन्च मैंने कहा मैं रुक जाती हूं But then I developed this really bad congestion and viral flu that I just wanted to come back home. Hmm. So I did. तो इस वजह से something hot वहाँ पे unfortunately coverage नहीं कर सका. जी. मुझे तो कोई invite ही नहीं करता इस तरह की. Fast कर रहे हैं आप भी जा रहे थे. Unfortunately Thursday morning I was supposed to fly to Lahore for the trailer launch and Amira my daughter was not well. She's fine now Alhamdulillah. तो मेरे भी वो cancel हो गया मेरा भी trip. Amna and I were both really looking forward to being at the event. बट अनफॉर्चुनेटली हम इवेंट पे नहीं थे लेकिन इवेंट के ऊपर कास्ट में तकरीबन सारे लोग थे फवाद खान को हमने देखा मिकाल जुल्फकार को देखा हमने गौहर को देखा जॉन रैम्बो को जॉन रैम्बो साहब अफजल खान साहब थे वहाँ पे मानी थे आयशा उमर थी अदान शाह टीपू भी थे वहाँ पे आई थिंक कुरैशी फैसल कुरैशी हिमसेल्फ जो राइटर डायरेक्टर है उनके आमना सवाल एक पूछूंगा और मैं चाहता हूँ कि फॉर वंस आप एक लफ्ज में उसका जवाब दें What was your first reaction after the trailer? You're only allowed to say one word. I have two words. No one. Money heist. एक one word money heist कहते हैं. ये तो मेरे पास यही दो loves हैं money heist. Money heist was your first reaction. हाँ. Ask mine now. What's your first reaction? Disappointed. Why? Disappointed because आमना एक तो बात ये है कि जब मैंने इसका teaser देखा था मैं बहुत खुश हुआ था क्योंकि उस teaser में मुझे लगा कि यार कि वाकई में
एक डिफरेंट जॉनरा की, डिफरेंट तरह की पंच भी था थोड़ा सा, कॉमेडिक वैल्यू भी नजर आ रही थी. फैजल कुरैशी ऑफ कोर्स, उनसे बड़ी एक्सपेक्टेशंस है हमें, बट द ट्रेलर सीम टू बी ऑल ओवर द प्लेस. वो ट्रेलर खत्म हो गया और मैंने कहा कि है खत्म हो गया, अब पंच आया, अब पंच आया, अब पंच आया. अनफॉर्चुनेटली देयर वाज नो पंच. और आप ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ट्रेलर आप किसी भी किरदार के साथ जो आप डिफरेंट कैरेक्टर्स देते हैं उनके साथ आपका कोई कनेक्ट नहीं बिल्ड होता. इवन दो इट इज अंडरस्टैंडेबल, इट्स जस्ट अ ट्रेलर, बट कभी कभी आप डेढ़ मिनट दो मौला जट का जब आपने ट्रेलर देखा था, आप मुझे बताएं यार, इंस्टेंटली देयर वाज लाइक यार मैन ये क्या है, ये किरदार कौन है, आई वांट टू नो मोर अबाउट दैट. मौला जट तो चलो बहुत बड़ी फिल्म थी, आपने कमली का ट्रेलर देखा था? कमली का ट्रेलर, यू लाइक ओ माय गॉड व्हाट इज दिस हैपनिंग. नो डायलॉग, नो डायलॉग, नो डायलॉग. कमली के ट्रेलर में कोई डायलॉग नहीं था. पाकिस्तान में फिल्में बना रही है, हमारी फिल्मों का जो बेंच मार्क है ना वो अब इधर चला गया, थैंक्स टू मौला जट. ठीक है, आप यू गॉट योर मौला जट, यू गॉट योर JPNs, यू गॉट योर लोड वेडिंग्स एंड योर कायदे आजम जिंदाबाद, यू गॉट योर वार्स, यू गॉट योर जरार्स, you know, O2 ones. तो आपने एक different genres में different different अच्छी बेहतरीन फिल्में बना के आपने वो benchmark set कर दिए कि अब आप ये नहीं कह सकते कि ओ हो अभी growing industry है ना, अभी आप उनको मौका दें, अब वो वाला माहौल नहीं रहा. तो हमारी expectations भी naturally अब इधर चली गई हैं. और you know बहुत सारे फिल्म मेकर्स हैं जिन्होंने पहली पहली फिल्म से अपना लोहा मनवाया. ऐसा नहीं है कि उनको 10-10, ऐसे कोई पाकिस्तान में नहीं है जो 50 फिल्में अब बना चुके और हम बोलें कि अच्छा अब हमारी इनसे एक्सपेक्टेशन अगर ना मीट की तो हम बुरा मनाएंगे. लोग पहली पहली दूसरी दूसरी तीसरी तीसरी फिल्म के बाद डिलीवर कर चुके हैं, तो अब हमारी एक्सपेक्टेशन वैसी ही है. इसलिए मैं तो बड़ा डिसअपॉइंट हुआ ट्रेलर देख के, बट मेरी उम्मीद है कि यार क्योंकि मेरा इंटरेस्ट अभी भी बरकरार है. Also because it's a big film, it's not a small film. Very big film. मैं ये नहीं कहूंगी कि जी ये एक नया प्रोड्यूसर है या छोटा प्रोड्यूसर है, कम बजट. नहीं, शायान खान प्रोड्यूसर है, वो पहले भी एक फिल्म प्रोड्यूस कर चुके हैं, वो फिल्म का भी हिस्सा है. प्रोडक्शन क्वालिटी भी, लुक एट द कास्ट यार, यू गॉट फवाद खान, यू गॉट वसीम अकरम मेकिंग अ सुनहरा अकरम. वसीम नहीं थे वो, वसीम साहब वो PSL में, बट यू गॉट दिस ह्यूज एंसेंबल कास्ट. इट्स अ बिग फिल्म, बिग एक्सपेक्टेशंस, बहुत ज्यादा बड़ी एक्सपेक्टेशन है. और प्रोडक्शन क्वालिटी भी अच्छी है जो नजर आ रहा है, पैसे खर्च हुए. अच्छा, मैं डिसअपॉइंट नहीं हुई, मुझे लगा कि ट्रेलर ऑल ओवर द प्लेस जरूर है, मुझे हुक नहीं कर सका, बट मुझे ये उम्मीद थी कि यार, नहीं डिसअपॉइंट मैं नहीं हुई, मैंने लगा चलो एक नई चीज की एफर्ट है, इट्स नॉट अ रोमकॉम, इट्स समथिंग डिफरेंट, मे बी द फिल्म विल डिलीवर व्हाट द ट्रेलर इज नॉट. आई वाजंट डिसअपॉइंटेड, I wasn't particularly hooked. I didn't love it, but I wasn't. ये disappointment होती है और क्या होती है? तो फिर आपकी शायद expectation नहीं थी, मेरी तो थी. मेरी शायद नहीं थी. मेरी तो expectations थी क्योंकि फैसल कुरैशी साहब उनके जो humor है मैं उनका हमेशा से बड़ा fan रहा हूँ. और इसमें भी आप देखें छोटे-छोटे आपके जो है, unfortunately वो ये ना, वो छोटे-छोटे जो आपके punch lines हैं वो accumulate होके एक bigger punch में translate नहीं हुए trailer में. आप वो देखें, छोटी सी बात है, from the makers who've not seen Money Heist yet, you know, something like it, this is funny. That's his brand of humor. I enjoy it. So I was expecting यार कि उस तरह का कोई punchy सा trailer आए, but it was just badly cut. It was a really bad. It's one of the worst trailers that I've seen. Oh God. Come out of the Pakistan industry. Okay. So I hope, but इसका देखें एक ये है कि teaser इतना अच्छा कटा था कि trailer से expectations यहाँ पे थी. Trailer के बाद अब expectations नीचे आ गई. तो अब उनको उनके ऊपर प्रेशर है ज्यादा कि यार कि आपने अच्छा मजीद कंटेंट अगर निकालते हैं कोई फिल्म से तो होपफुली वो बेहतर कट, इट्स नो, इट्स बेटर कट. दिस वाज रश्ड, आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट नो, दे विल फाइंड मेथड टू द मैडनेस. आई होप सो, आई होप सो. आई विल स्टिल वॉच द फिल्म, आई वांट टू वॉच द फिल्म, इट्स गॉट एन अमेजिंग कास्ट, इट्स अ डिफरेंट जॉनरा. एंड आई एम रियली 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 होपिंग एंड लुकिंग फॉर. ये उन्होंने कहा है कि जो आपको ट्रेलर में नजर आ रहा है फिल्म वैसी नहीं है. फैसल कुरैशी का एक, एक, I hope so. ये बात तो मैं उनकी इंडोर्स करूंगा, आई होप सो, लग रहे ऐसे ही हो. फाइनली आमना जी, जी और कुछ रह गए? नहीं, मेरी लिस्ट पे ये चीजें थी. फाइनली जावेद अख्तर साहब एट द फैज फेस्टिवल इन पाकिस्तान. हाँ जी, मैं जो आपको बात कर रहा था ना, अदबी मेले होते हैं और लिटरेचर फेस्टिवल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं आमना जी, इनका मकसद होता है डिस्कोर्स, या अगर आपने अगर किसी चीज़ पे डिबेट करनी है तो बोथ साइड्स ऑफ द स्टोरी को सराहा जाए, उसके बारे में बात की जाए, एक हेल्दी डिस्कशन हो, जैसे हम हमारी एक्सपेक्टेशन होती है हमारे कॉमेंट सेक्शन में हो. अब हुआ ये कि फैज फेस्टिवल में जावेद अख्तर साहब आए जी, स्पॉटलाइट हट गई इस बात पे कि वो आए, उन्होंने क्या बात की, वहाँ पे क्या डिस्कशन हुई, टू द फैक्ट कि जी जावेद अख्तर साहब इज इन
पाकिस्तान ठीक है, उनकी तस्वीर भी लगी, बात भी हुई, इंडिया में भी कुछ अपेरेंटली हलचल मच गई कि जावेद अख्तर साहब क्यों आए पाकिस्तान। उनको पहले पहले उनके ऊपर इतराज आए कि व्हाई हैज ही गॉन टू पाकिस्तान, वो भी फॉर फैज अहमद फैज हु इज अ पोएट बट हु रोट पोएट्री लाइक हम देखेंगे जिसमें बुत तोड़ने की बात हो रही है, तो उन्होंने ऐसी पोएट्री लिखी थी तो इनको जाना ही नहीं चाहिए था, तो पहले इन पे लानतान हुई इंडिया से। ठीक है ये हो गया, अब वो यहाँ पे आ गए जी। यहाँ पे जो फैज फेस्टिवल में जो मैं बात करूं कि जो कॉन्वर्सेशन होती है जिसको बंदा सुनता है समझता है, किसी ने ना सुनी ना समझी, आप कट टू डायरेक्ट चले गए रात को एक जो आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन अली जफर ने एक इवनिंग होस्ट की थी जावेद अख्तर साहब के ऑनर में, जहाँ पे मोबाइल से बहुत सारी लोगों ने आपको अभी बताता हूँ, मुझे मौका तो दे, मुझे आप मौका दे, मैं अभी आपको बताता हूँ। वहां पे हम चले गए उस इवनिंग पे, ठीक है उस इवनिंग पे आपने देखा जी के अली जफर उनके जावेद अख्तर साहब के गाने भी गा रहे हैं, उनकी लिरिक्स को बड़ा एक समा बंधा हुआ है वहां पे, लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। फिर आपने देखा दिल हाशमी साहब जो कि फैज अहमद फैज साहब के ग्रैंडसन है, वो जावेद साहब के यू नो पैरों में भी घुटनों से लग के बैठे हुए हैं, उनके साथ उनकी एक खातून भी थी वो भी घुटने से लग के बैठी हुई है। रेशम जी को देखा आपने, वो जावेद अख्तर साहब सुन रहे थे कुछ, वो आई बीच में गाना गुनगुनाते हुए, उन्होंने अपनी सेल्फी भी वीडियो भी बनाई। फिर आपने देखा सरवत गिलानी साहबा थी वहाँ पे, सब ने सेल्फीज खींची, सब कुछ किया, सारी एक कॉन्वर्सेशन हुई कि यार के बड़ा मजा आ रहा सब कुछ। हाँ। कट टू एक क्लिप निकली जावेद अख्तर साहब की जी और उसमें पता चला कि जी जावेद अख्तर साहब आए और वहां पे बैठ के वो ये कह गए हैं पाकिस्तान में कि भाई अगर भारत में लोगों के दिलों में शिकायत है पाकिस्तान को लेके तो आप उसको उसका इतना बुरा ना मनाए, हम बंबई से हैं, वहाँ पे जब 26/11 हुआ तो वहाँ पे लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे जी, आपके पाकिस्तान से आए थे और अभी भी यहीं पे वो घूम रहे हैं, और हमने तो नुसरत फतेह अली खान को बड़ा बड़ा वहाँ पे होस्ट किया है, आपने तो कभी लता मंगेशकर को यहाँ पे होस्ट नहीं किया, तो ये बात जाने दें और आप सिर्फ जो है पीस की बात करें, पीस की बात करें, पीस की बात करें। आपके मुल्क में तो लता मंगेशकर का कोई फंक्शन नहीं। ये सवाल उनको आया था कि दोस्ती कैसे बढ़ाई जाए दोनों मुल्कों की। तो पहले तो आप बताएं आप क्या कहना चाहेंगी उनके इस ओपिनियन पे, आपको लगता है उन्होंने सही बात की पाकिस्तान में आके एक अदबी मेले में बैठ के ये जो उन्होंने गुफ्तगू की? नहीं, बात तो उनकी बाद में आती है, पहली बात तो ये है कि जब आर्टिस्ट का एक्सचेंज बंद हुआ है दोनों मुल्कों के बीच में, हमारे आर्टिस्ट आर नॉट अलाउड टू गो टू इंडिया, इज दैट करेक्ट? और आर दे गोइंग एंड परफॉर्मिंग देयर? आई मीन कोमल रिजवी रिसेंटली वेंट एंड अटेंडेड अ फ्रेंड्स शादी, सो पीपल कैन गो। नो, आई मीन बट आर दे गोइंग ऑन अ पब्लिक ऑन अ लाइक अ फॉर्मल प्लेटफॉर्म और अ फिल्म और अ कॉन्सर्ट, या आर्टिस्ट का वहाँ पे एक्टिविटी बंद है बिल्कुल, राइट? इस सिचुएशन में आप ये सोचें कि जावेद अख्तर साहब को वीज़ा कैसे मिला पाकिस्तान आने का, मुझे ऐसा लग रहा है और बहुत से लोग ऐसा सोच रहे हैं कि यू नो एवरी नाउ एंड देन कहते हैं करके देखें टेस्ट द वाटर्स, मे बी थिंग्स आर गोइंग टू गेट बेटर, बिकॉज आर्टिस्ट का काम क्या है यार? आर्टिस्ट का काम तो ये है ना पीस फैलाना, यार वीजा दे दो बुला लो, पीस फैलाना या जो भी स्कर्मिशेस हो बाउंड्रीज को ब्लर करना और लोगों को यूनाइट करना, ये आर्टिस्ट का काम है। तो कहा कि जी ठीक है दे दो इनको बुला लो, ये अच्छी बात होगी, हम पीस की बात करते हैं। वो आगे पीछे से लानतान उन पर शुरू हो गई। अब वो आए, वो सेशन हुआ पूरा, मैंने वो देखा सेशन, उसमें बड़े नॉर्मल सवाल पूछे जा रहे हैं कि कौन सी चीज़ है जो छोड़ देनी चाहिए, फिर उन्होंने बताया कि मैंने शराब कैसी छोड़ी, फिर दोस्ती की बातें होनी है हर, तो एक सवाल ऑडियंस में से आया कि दोस्ती जो है दोनों मुल्कों के बीच में कैसे बढ़े, उसका उन्होंने ये जवाब दिया कि दोस्ती की बात हम कैसे कर सकते हैं जब 26/11 जैसे इवेंट्स हो रहे हैं और हम भूल तो नहीं सकते मैं बॉम्बे से आया हूँ, ऑल ऑफ दैट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बात उनकी उन्होंने करनी थी यार, why are we so surprised that he would say this? नहीं, बात एक सेकंड, why are we so surprised that he would say this? Of course he would say this. कि when we think that people from Pakistan are coming and bombing our cities, how can we talk about dosti? Similarly, we can say when we think that when Kashmir is happening, how can we talk about dosti? This is a never-ending debate. The problem was not just in him. वो तो ये बात करेंगे आके. I have a problem with him as well because he's been very openly anti-Pakistan all of his life. The same applies to Anupam Kher when he came to KLF a couple of years ago. These are people who are very polarized. They are very open about their anti-Pakistan sentiments. So, मेरे ख्याल से तो उनको आना नहीं चाहिए था, तो वो आगे उन्होंने ये बात करनी थी। ये बात करने पे मुझे कोई इतना बड़ा इतराज़ नहीं है जितना पब्लिक रिएक्शन पे है। आप ये बताएं यार, गैरतमंद ऑडियंस
तालियां बजा रही है बैठ के इस बात पे, इसकी कोई सेंस बनती है? यही तो मैं कह रहा हूँ आपको, जो आप लिटरली फेस्टिवल की बात करती हैं, हाँ। ये कौन सा अदबी आपकी वहां पे इंटेलेक्चुअल आवाम बैठी हुई है जो कि एक बंदे को आगे से रिस्पेक्टफुली इंटरजेक्ट करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे सकती? देनी चाहिए। ये तो मैं ज़ॉम्बीज बैठे हुए थे वहां पे सारे, ऐसे लग रहे हैं तालियां बजा रहे हैं, ऐसे खुश हो रहे हैं कि हमारे मुल्क की बेइज्जती हो रही है। व्हाई डिड नोबडी स्टैंड अप एंड से कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैव सेड दिस इन इंडिया एंड गॉटन बैक विदाउट गेटिंग हर्ट? नो, सवाल ही पैदा होता है। अंडे पड़ते हैं उसको, अंडे पड़ते हैं तो मुझे प्रॉब्लम नहीं कह रहे कि जावेद अख्तर साहब को, मुझे प्रॉब्लम अपने लोगों से, उन्होंने तो ये बात करनी थी। हमेशा एक बात याद रखें हसन, कि इंडिया पाकिस्तान इतना पोलराइज्ड है इस वक्त कि अगर कोई आर्टिस्ट कोई बात करेगा, ऐसी कोई बात कर ही नहीं सकता जो इंडिया और पाकिस्तान में दोनों में लोग खुश हों। आइदर यू विल अपसेट पीपल इन इंडिया और यू विल अपसेट पीपल इन पाकिस्तान। यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल, एनी एग्जाम्पल, देयर इज वेरी फ्यू थिंग्स दैट विल प्लीज बोथ कंट्रीज राइट नाउ। सो दिस वॉज अ बैड आइडिया। बात यह है कि जावेद अख्तर साहब, इफ ही इज ऑल अबाउट पीस, नथिंग रॉन्ग विद इट। बात यह है कि आप किसी के मुल्क में बैठ के सिर्फ उनकी पॉइंट आउट कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी जब यूएन में जाते हैं और वो ये कहते हैं कि उसामा बिन लादेन इज डेड बट द बुचर ऑफ गुजरात नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उस वक्त तो बड़ा स्ट्रांग रिएक्शन होता है। उस वक्त तो कोई पेशेंस नहीं है, उस वक्त तो आप फिर पाकिस्तान की शिकायत और मुसलमानों की शिकायत नहीं सुनना चाहते। फिर उधर भी हौसला रखें, कुलभूषण जो था वो भी तो नॉर्वे से नहीं आया था ना, अभी नंदन जब आया था उसका प्लेन यहाँ पे गिराया था हमने, तो वो कोई पेरिस से आया था। मगर आपको तो वो नहीं बुला रहे कि आप उनके घर में, और फिर देखो रिएक्शन इज वर्स देन द एक्चुअल व्हाट हैपेंड। नहीं, बात ये कि बजाय डिफ्यूज करने के फिर जावेद अख्तर साहब ने एक सिलेक्टिव अपना दिखा दिया ना, या तो आप जावेद अख्तर साहब से भाई यही उम्मीद थी, बुला क्यों नहीं फिर आप? एग्जैक्टली, मैं यही कह रही हूँ, आप अरुंधति रॉय को बुलाते हैं, वो आके बिल्कुल सेम बातें करती हैं, हम वी लव हर, वो चली जाती हैं वापस। आप नसीरुद्दीन शाह को बुलाएं, वो सेम बातें करेंगे। आप और ऑडियंस मुंह में जबान दे के बैठी हुई वहां पे, आपके मुंह में जबान नहीं है। आप जाके उन्होंने यही किया, उन्होंने यही किया, हाँ। उन्होंने हर चैनल पे बैठ के ये कहा है कि मैंने कहा, मसला मेरे कहने में नहीं था, ऑडियंस उन्होंने तालियां बजाई, ऑडियंस तालियां बजाई है, अप्रिशिएट किया। और दूसरी बात जो मैं आपको कह रहा हूँ कि सेशन नहीं सुना रेशम साहिबा का, आप मैसेज, हाँ जी कह रही, मुझे तो पता ही नहीं था उन्होंने क्या बात की। ये तो खैर हमारे आर्टिस्ट क्लूलेस है ना, मैं वही तो कह रही हूँ, वो कह रही मुझे पता ही नहीं है, लोग पैरों में बैठे उनके फोटोएं खिंचा रहे हैं, तस्वीरें लगा रहे हैं, सेल्फियां लगा रहे हैं। जावेद, हाउ ब्लडी क्लूलेस डू यू हैव टू बी यार इन टुडेज वर्ल्ड? आपने सेशन अटेंड किया जावेद अख्तर साहब का? नहीं किया किसी ने, आपने बस आपने सेल्फी खींच के आपने लगा दी, मगर आप इवेंट पे गाने सुनने उनसे मिलने जरूर चले गए। मैं आप मिलने चले गए, तो आप समझें भाई, आप थोड़ा सा अपना दिमाग को खोलें कि यार हो क्या रहा है इस मुल्क में। और कोई ये नहीं कह रहा कि यार हम भारत के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर नहीं करना चाहते, कोई ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में मसले मसाइल नहीं है, इधर मसले हैं तो उधर भी मसले हैं, उधर भी बहुत मसले हैं, उधर शायद ज्यादा मसले हो हमारे। वो तो ये कह रहे हैं लता मंगेशकर को यहाँ पे हमने नहीं किया, यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे आज उमेर अलवी ने अपने उस पे लगाया हुआ था, मुझे याद आया सोनू निगम आए हैं परफॉर्म करके गए हैं, उदित नारायण परफॉर्म करके गए हैं, हमने हमेशा बहुत प्यार दिया है। हम अभी भी आतिफ असलम हैज पेड ट्रिब्यूट टू लता जी इन ऑल हिज कॉन्सर्ट्स, हमेशा हम करते हैं भाई, एब्सोल्यूट रबिश, हम इतना प्यार करते हैं उनकी तरफ से। तो एक्चुअली ये हुआ था कि आफ्टर उरी पूरी ए दिल है मुश्किल फिल्म ही बदल दी, फिल्म बदल दी। आपने तो ठीक है, आपने जरूर खान साहब को बहुत इज्जत दी, मतलब फवाद एंड मायरा वर इरेज्ड फ्रॉम पोस्टर्स एंड ऑल ऑफ दैट, कम ऑन सर, ये ना करें आप हमारे एक्टर्स को आपने एक चाय में से मक्खी तरह एक सेकंड में आपने निकाल के बाहर फेंक दिया, उसका क्या? ये बातें सिलेक्टिव बातें, सो नो ऑफ कोर्स इट वाज, बट देन व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इट वाज अ बैड आईडिया। नहीं तो अब ताल्लुकात खराब करके चले गए ना, अच्छे करने एब्सोल्युटली खराब करके, मैं यही तो कह रही हूं। नहीं तो उनसे पूछें फैज अदील हाशमी एंड टीम जो बुलाते हैं, चाहिए बिल्कुल पूछना चाहिए कि बजाय पीस बढ़ाने के जो एक अच्छी चीज एक खामोशी से चल रही थी वो अब द एप्पल कार्ट हैज बीन टॉपल अगेन। गलत बात है यार, फिर गुंडों से लग के बैठ के और उनको वो करें। एंड प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, जावेद अख्तर साहब की जितनी फिल्में सलीम जावेद ने बनाई है मैं सारी देखी हुई है, जावेद अख्तर साहब और सलीम खान साहब इनके सारी इंटरव्यूज में बड़े शौक से सुनता हूँ मैं, बहुत इनकी, मुझे कोई बता दे आप में से जावेद अख्तर साहब और फैज अहमद फैज की पहली मुलाकात कैसी, मैं मान जाऊंगा आप लोगों को, मुझे वो भी बताया सारी उनकी सुनी हुई कॉन्वर्सेशन, बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं उनकी उनके काम की हद तक, लेकिन हमारे मुल्क में आके सिलेक्टिव बात करके सिलेक्टिव टारगेटिंग करके हमारे मुल्क के इश्यूज पॉइंट आउट करके और अपनी इनटॉलरेंस की बातें अभी जो किस्से चल रहे हैं,
आपकी जावेद अख्तर साहब से कोई क्यों नहीं पूछता कि अभी शाहरुख खान की फिल्म आ रही थी क्या हुआ, उसके पोस्टर्स क्यों जलाए गए उनके मुल्क में? अभी आमिर खान साहब की फिल्म आई है, क्या हुआ उसके साथ? सलमान खान साहब ने अपनी फिल्म का नाम आमना जी चेंज कर दिया, भाई जान से मेरा भाई, मैं किसी का भाई किसी की जान रख दिया, क्यों रखा? ये कॉन्वर्सेशन क्यों नहीं वो कर रहे? ऐसे ना करें, हमारे मुल्क में, अगर उनके मुल्क में 26/11 की वो बात करते हैं, हमारे मुल्क में सैकड़ों ऐसे अटैक हैं जिनके सिरे जाके इंडिया के साथ उनको बुलाना नहीं चाहिए था, मेरा अपना ख्याल है। मैं तो कह रहा हूँ ये जो मुंह में जबान देख के जो तालियां बजा रही थी वहां पे ऑडियंस, वर्स्ट, they should all be held accountable. आपके मुंह में जबान नहीं है, यही तो मैं कह रहा हूँ। अदबी मेले, आप क्या लिटरेचर फेस्टिवल्स की बात कर रही हैं यार? ये होता है लिटरेचर फेस्टिवल्स का मकसद? आप लिटरेचर फेस्टिवल्स का you can't generalize ना, because बहुत अच्छे-अच्छे मकासद भी दिए हैं। There's a good time as well. This is just really a difficult time and this was a bad example. No, I'm saying that... अच्छा, दूसरी चीज ये कि मुझे तो अदील हाशमी से भी I would like to talk to him कि जो उस पूरे session के जो video है उसी में से काट देते हैं यार ये part. आपकी बेइज्जती हो रही है, आपकी आवाम का, आप ये पार्ट क्लिप कर, आपके सेंटीमेंट्स हर्ट हो रहे हैं, आपके सेंटीमेंट्स हर्ट हो रहे हैं लोगों के, आप ये पार्ट ही सेंसर कर देते हैं, आप ना इसको अपलोड करते हैं, यू नो, उनको नहीं लगा, उनको लगा उन्होंने सही बात की। अगर वो तालियां बजा रहे हैं लोग इस बात पे तालियां बजा रहे हैं, हाँ आपने तो कभी लता मंगेशकर का कॉन्सर्ट नहीं किया, लता जी आई पाकिस्तान, गलत बात है। आपके आपके जो आर्टिस्ट हैं कुमार सानू और ये उदित नारायण, इन्होंने कहा जी कि जो अमेरिका में भी कॉन्सर्ट पाकिस्तानी प्रोमोटर कॉन्सर्ट प्रोमोट करेगा, हम उनके कॉन्सर्ट ही नहीं अटेंड करेंगे। ये तो आप लोग इस तरह से आप ट्रीट करते हैं आपने अपने नेबर्स को, आप क्या बातें कर रहे हैं यार? अभिजीत जो इनके सिंगर हैं, अभिजीत भट्टाचार्य, कभी आप उनकी सुन लें जो उनका नफरत अंगेजी है। बट व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर मॉन्गरिंग हेट? देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर नॉट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, ही इज नॉट, ही इज आल्सो टॉकिंग अबाउट लता जी को। मेरा नहीं ख्याल कि अगर पाकिस्तान में किसी को मौका मिलता कभी कि वो लता जी को होस्ट करे तो वो ना करते। Absolutely. जितना रिगार्ड जितना प्यार हम बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को देते अभी तक दे रहे हैं हाल ही में। यू कॉल अ दिलीप कुमार, यू एक्सपेक्ट द कन्वर्सेशन टू बी गुड एंड पॉजिटिव एंड पीसफुल। यू कॉल somebody like an Asir Zin Shah, Om Puri has been in our movies. There are so many artists who are peace loving, but a lot of them are not peace loving, and this is evident. So yeah, I mean. Thank you, आपने मुझे याद कराया। यूसुफ खान साहब, दिलीप कुमार साहब जब पाकिस्तान में आए थे, उनको स्टेट प्रोटोकॉल मिला था भाई, निशाने इम्तियाज उनको मिला था, पाकिस्तान हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन 1998। There you go. The Kapoor family entire, Rishi Kapoor and Rajiv Kapoor, they came to Pakistan. You can relax. You are allowed to relax a little bit. They were taken to Peshawar, राज कपूर साहब की जो हवेली थी, वहाँ पे उनको विजिट कराया गया। इतना प्यार था, इतना रश था, वो लोग पहुंच नहीं सके थे वहाँ पे। क्या बात कर रहे हैं सर, ऐसी गलत बात कर रहे हैं आप। आपने क्वेश्चन किया है हमारे प्यार को For the Indian artist, at the same time, आपने point out किया। सिर्फ एक बात अच्छी की उन्होंने। क्या? कि जो कंगना रनौत ने जो एक ट्वीट की और कहा कि घर में घुस के मारा, उनको NDTV पे पूछा गया कि आप कंगना की कमेंट के बारे में क्या कहेंगे, तो पहले तो उन्होंने ही ट्राई टू अवेड इट, फिर उन्होंने कहा, एंकर ने दोबारा पूछा, नहीं सर कोई कुछ तो पहले इस पर बात करें फिर आगे चलते हैं। उन्होंने कहा, बट शी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, वाई इज हर कॉमेंट इम्पॉर्टेंट? उन्होंने उनको भी रद्द कर दी। ये मुझे खुशी हुई, थोड़ा सा छोटी सी खुशी थी इन दिस एंटायर अफेयर, बट इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट, इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट। बट अगेन, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग देम बिकॉज वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर देम, आई वुड ब्लेम अस, एंड आई वुड ब्लेम अस फॉर इनवाइटिंग हिम फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन फॉर द पब्लिक रिएक्शन टू हिज कॉमेंट, और फिर गोडों से लग के बैठ के, और फिर गोडों से लग के बैठ के उनको इज्जत देना रात को, ये सब चीजें, ये सीरीज ऑफ इवेंट्स ही बहुत अनफॉर्चुनेट था। मैं आना यहां पे एक और बात, आपके विद योर परमिशन एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट यहां पे कहना चाहूंगा भाई, आप लोग अपनी पर्सनल जिंदगी में अगर किसी के गोडे गिट्टों को बैठ के करते भी हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको फिर पब्लिक ना करें। ठीक है, अकीदत समझ में आती है, अगर आप किसी से मोहब्बत में प्यार में आप किसी आर्टिस्ट की बहुत इज्जत करते हैं, और कुछ चीजें होती हैं वो पर्सनल भी रहनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर चीज को आप मुंह उठा के और अपने इंस्टाग्राम पे और हर जगह और वो लगाएंगे। ठीक है, तो अगर आप अपनी जाती जिंदगी में किसी की बहुत अकीदत करते हैं और आप उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उनके पैरों में बैठे, मेरे ख्याल है इसका कोई अकीदत से ताल्लुक ही नहीं था, ये था ही एक पब्लिक अफेयर, इंस्टा अफेयर, पब्लिक नहीं था फिर, उनके घर पे था। आप पब्लिक को, आपकी मेरी डेफिनेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट इज वेरी डिफरेंट। पब्लिक होता है आमना जी, जो कि पब्लिक अलाउड हो टिकट खरीद के जाए, पब्लिक का मतलब है कि देयर आर पीपल एट दैट इवेंट, इट्स नॉट अ प्राइवेट, इट वाज अ प्राइवेट इवेंट। हसन, प्राइवेट इवेंट्स होते हैं ना, उस पर लोगों को कहा जाता है तस्वीरें मत लें प्लीज, लीव योर फोन्स आउटसाइड, यू आर नॉट अलाउड टू टेक, पीपल वर टेकिंग सेल्फीज एंड फोन्स, दे वर टेकिंग सेल्फीज इन अ प्राइवेट इवेंट ना, एंड ही वाज विजिबली ऐसे, ही वाज नॉट हैप्पी, ही वाज नॉट हैप्पी, यू नो, इट वाजंट लाइक ऐसे इवेंट का मकसद ही होता है कि लोग देखेंगे हमने पार्टी दी है और सब उस पे आए हुए हैं। अब मेरा निख्याल इसमें ठीक है, अगर आपका ये मकसद है तो ना हो फिर मकसद, अगर आपने उसमें पैरों में बैठ के, और एंड आई अगेन, मैं ये नहीं कह रहा मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम है कि अगर आप किसी की अकीदत में आप किसी को बहुत पसंद करते हैं
और आप ह्यूमिलिटी में उनके पास बैठ गए हैं लाड प्यार करने के लिए, दैट्स योर प्रेरोगेटिव. ठीक है, आप जिस मर्जी को प्यार नहीं, आई एम सॉरी, इवन ही व्हाटएवर काइंड ऑफ पोएट और राइटर ही मे बी, अगर आप एक पाकिस्तान हेटर की अकीदत कर रहे हैं तो आई क्वेश्चन यू देन. आई क्वेश्चन यू. I would never have akidat for somebody. Nee, who I will so not have respect for that person. For that person, exactly. For somebody who is so openly anti-Pakistan, मुझे ऐसे बंदे की अकीदत क्यों होगी? नहीं होगी. तो वही मैं कह रहा हूँ ना, अब किसी को है फिर भी अकीदत तो क्या करें हम उनको? नहीं तो फिर हम criticize करेंगे गलत. तो करें तो मैं, I have no respect for such people. Absolutely. I'm sorry. And most of all, I'm really, really, really angry at that crowd who was sitting there and clapping. किसी कोई एक नहीं था वहाँ पे जो खड़ा होके रिस्पेक्टफुली. मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप, वो हमारे गेस्ट हैं, आप इज्जत करें यार. आप उनको बहुत एहतराम के साथ बोलें, रिस्पेक्टफुली सर वी डिसएग्री विद यू, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करें. आप उनके साथ डिस्कशन करें, जो मकसद है इस चीज़ का. आप ज़ॉम्बीज हैं, म्यूट्स हैं, आप चुप करके बैठ गए आप वहाँ पे, और उन्होंने जो भी बोला आपने कर लिया, और आपने कहा वाह वाह वाह, अगले दिन घुटनों पर बैठ के और घर आ गए. ये नहीं होता यार, ऐसे नहीं होता. अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो रिस्पेक्टफुली पुट अक्रॉस करें. वो सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, ये बात की डिबेट है. बट वो हम पे फिंगर पॉइंट कर रहे हैं, ये गलत बात है. उनको भी अपने भी पॉइंट ऑफ व्यू को सही करना चाहिए. और हम जी हसन ऑन दैट नोट इजाजत लेंगे. और जैसे हमने आपको शुरू में बताया कि फैसला हो चुका है, तेरे बिन का रिव्यू इंशाल्लाह आपको सैटरडे को मिलेगा, जुम्मे को आपको देखने को मिलेगा. मुझे प्यार हुआ था, मेरे बन जाओ और यूं ही फर्क देखेंगे. अगर देख पाए मुश्किल ही है, लेकिन देख लेंगे. और फिर इंशाल्लाह आपको कोशिश करेंगे कि वीकेंड के ऊपर ऑन द स्पॉट या बियॉन्ड बॉर्डर्स की भी एक और किस्म मिले. अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. खुदा हाफिज़.